नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने हर महीने की पहली तारीख को होने वाले वंदे मातरम गीत का ब्रेक बीजेपी को मुद्दा दे गया। नई सरकार के खिलाफ भाजपा ने इसके साथ ही प्रदर्शन भी कर दिया। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सफाई देते हुए कहा कि वंदे मातरम का गायन बंद नहीं किया गया है, इसे नई तैयारियों के साथ शुरू किया जाएगा, लेकिन भाजपा इस मामले को तुल देने में पीछे नहीं है। राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन के सामने पार्क में हर महीने की पहली तारीख को अधिकारी और कर्मचारी पहले वंदे मातरम का गायन करते थे, उसके बाद कामकाज की शुरुआत होती थी। नई सरकार के कार्यालय में नए साल के साथ शुरू हुए जनवरी महीने की पहली तारीख को वंदे मातरम का गान नहीं हुआ, तब पता चला कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। हार से हताश बैठी भाजपा के लिए यह मुद्दा काम कर गया। जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ सिंह के आह्वान पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और विधायक मंत्रालय पहुंच गए और वंदे मातरम का गायन किया। भाजपा विधायकों ने कांग्रेस पर दृष्टिकरण का आरोप लगाते हुए हर महीने वंदे मातरम गाने के लिए मंत्रालय के सामने जुटने का संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया है। हर महीने की पहली तारीख को मंत्रालय के सामने वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गान, ये पिछले 14 वर्षों से चली आ रही परंपरा थी। बाबूजी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये प्रारंभ की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्री शिवराज जी ने इसे लगातार 14 वर्षों तक इस परंपरा का निर्वहन किया था और इसके पीछे का उद्देश्य भी यही था कि इस राष्ट्रगीत को गाते गाते हमारे आज़ादी के मतवाले फांसी के फंदे को झूम गए थे राष्ट्र की रक्षा करते हुए। इस गीत का सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी करे, हमारी भावी पीढ़ी करे और इस गीत से प्रेरणा ले। लेकिन चंद दिनों पूर्व बनी कांग्रेस की सरकार ने इस राष्ट्रगीत को बंद करके राष्ट्रभक्तों की भावना का अपमान किया है, ठेस पहुंचाई है और ये प्रमाणित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार के लिए राष्ट्रभक्ति से ज़्यादा दलगत राजनीति है। देखिए, जिस वंदे मातरम के नारे को लगाकर हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पे झूल गए, हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जिस गीत को गाया और आज कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के कारण आज जो है इस परंपरा को कहीं ना कहीं खंडित किया है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रारंभ की थी। और वंदे मातरम जो देशभक्ति का पर्याय है, ये जब इसका गायन गाया होता है तो कहीं ना कहीं हम हमारी मातृभूमि की वंदना करते हैं और ये करना, इसको कहीं बंद करना या इसको नहीं करना, ये कांग्रेस की जो है नीतियों को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा जो है ये संस्कृति विरोधी रहा है। ये जो है इस प्रकार की जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र के पहले ही दिन पार्टी के विधायकों के साथ वंदे मातरम के गायन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अचानक भड़के इस विवाद के चलते सफाई देते हुए कहा कि वंदे मातरम नए क्लेवर के साथ फिर शुरू किया जाएगा, लेकिन मुद्दे की तलाश कर रही भाजपा ने तो इसे तुल देना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है वंदे मातरम जो गीत वो भारत की पहचान है, वो शहीदों की पहचान है, वो देश की आज़ादी की पहचान है। इसलिए कांग्रेस ने जल्दबाजी में जो निर्णय किया है, मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं शहीदों का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है और देश के राष्ट्र के लोगों का अपमान हुआ है। इसलिए कांग्रेस को तुरंत वंदे मातरम बंद करने का जो निर्णय है उसे वापस लेना चाहिए और जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और शहीदों के परिवार से माफ़ी मांगना चाहिए। भोपाल से संजय चतुर्वेदी की रिपोर्ट, न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहे न्यूज़ आज के साथ।